किया, तुम्हारे साथ मिलकर शासन किया। कोई इतिहास में एक एक भी घटनाक्रम दिखा दे जहाँ किसी गुर्जर के खून ने देश के साथ गद्दारी की हो, कोई एक खून दिखा दे। हमने अपनी बहन बेटियों का सौदा नहीं किया है, हमने नहीं किया अपनी बहन बेटियों का सौदा। हमारे हमारे इस खून से वो जन्मी है जिन्होंने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी तुम्हारे साम्राज्य को बचाने के लिए। और आज तुम कहते हो कि हमारा इतिहास क्या है, कभी बन के तो दिखाओ, दिखाओ बन के। तुमने तो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों का सौदा किया। चौदह भाई कौन थी वो कन्याएं हमारी, हमारी बहन बेटी थी वो, लेकिन अपनी एक छोटी रियासत को बचाने के लिए बरकबी आदि अकबर से रिश्तेदारी कर ली। कोई एक नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा उदाहरण उठा के दिखा दो कि इस गुर्जर के खून ने देश से गद्दारी की हो। आज भी नहीं की, जब अंग्रेजी हुकूमत भारत के अंदर आई तब भी हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा। वो क्रिमिनल एक्ट हमें हमारी बहादुरी का इनाम था। वो क्रिमिनल एक्ट जब हम यहाँ से सुनेटी करेंगे से कांगे रेडी भी जाएंगे तो हमें संबंधित चौकी पर जानकारी देकर जाना पड़ेगा। वो क्रिमिनल एक्ट था और उसी क्रिमिनल एक्ट के कारण हम लोग 50 साल पीछे थे। जो हमें कहते हैं भैंस चोर है, हमने भैंसे चुराई है, अंग्रेजों की भैंसे चुराई है, अंग्रेजों के खजाने लूटने का काम किया। आज हम पूंजा बहादुरपुर से आए हैं अभी, जहाँ पर 152 शहीद एक साथ फांसी पर लटकाए गए थे। हमारा इतिहास ये है, मनानी के अंदर, भांगला के अंदर आजादी की क्रांति की लड़ाई में जब हमारे लोगों ने अंग्रेजों के हथियारों से भरी हुई रेलगाड़ी को लूटा तो अंग्रेजों ने हमारा दमन किया। और जब देश आजाद हुआ तो भारत सरकार ने कहा कि जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने क्रांति की है, उनको चिन्हित करो और उनको सम्मानित करो। और वो लोग जो सरकार में बैठे हुए थे जब उन गांव में गए तो उस समय भी हमारे लोगों को लगा कि शायद ये हमारी दमनकारी नीतियों के कारण हमें हमारा दमन करने के लिए यहाँ पे आए। तो वहां पर जो दर्जी बैठे हुए थे रोहिला समाज के, उन्होंने पूछा कि साहब क्या बात है, क्यों आए हो आप? उन्होंने कहा कि जो क्रांतिकारी थे उनको सम्मानित करना है। तो उन्होंने सारे दर्जियों के नाम लिखवा दिए और वो दर्जी सारे क्रांतिकारी बन गए और हमारे लोग ने सही ये इतिहास रहा है क्योंकि हम मुख्य धारा से हट गए थे। ये तो कहना बड़ा आसान है।